बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैम फातमा हियर, योर पाकिस्तान स्टडी टीचर। हाउ आर यू डूइंग? होपफुली यू आर डूइंग वेल। इन दिस लेक्चर वी विल डू बाब नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम। और द टॉपिक इज तहरीक पाकिस्तान का पस मंजर। लेट्स मूव टूवर्ड द बोर्ड। जी ग्रेड 9th, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाब नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क्याम। एंड द टॉपिक इज तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र। तहरीक पाकिस्तान, अगर हम देखें इस टॉपिक को तो ये टॉपिक हम ग्रेड 1 से पढ़ते आ रहे हैं। उस वक्त भी हमें पता था पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मौरिज़े वजूद में आया, 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। अब अहम क्या है? अहम बात यह है कि ये समझना, ये जानना कि 1947 तक हम पहुंचे कैसे। तहरीके पाकिस्तान, पाकिस्तान का बनना, ये एक बहुत बड़ा मरहला था और इसके लिए कितनी जानें, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, क्यों इतनी जानें गईं, क्यों ने इतना नुकसान हुआ, ये सब जानना अहम है। क्योंकि आज हम एक आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान हमारे लिए बस एक मुल्क है। आज़ादी का दिन हर साल 14 अगस्त 1947 को हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं, झंडे लहराते हैं, झंडे सीनों पर सजाते हैं, तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं और बड़े जोशो खरोश से हम इस दिन को मनाते हैं। लेकिन ये समझना कि ये झंडा, ये आज़ादी, ये मुल्क बना कैसे, हासिल कैसे हुआ, ये जानना ज़रूरी है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? ओके, अब हम आगे चलते हैं और इस बात को समझते हैं। जी, तहरीके पाकिस्तान का पस मंज़र। तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र को हम दो अदवार में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, 1857 था 1940। नंबर 2, 1940 था 1947। अब आपका सवाल ये होगा कि दो अदवार ही क्यों? तो दो अदवार क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल, पाकिस्तान का तसव्वुर, पाकिस्तान का ख्वाब उभरने में, परवान चढ़ने में तकरीबन 100 साल का अरसा लगा, 1857 था 1940। दूसरा दौर 1940 था 1947। अगर 1940 का जहन में लाएं तो हमारे जहन में ख्याल पैदा होता है करारदाद लाहौर, मीनार पाकिस्तान। जी, कुछ याद आया? जी हाँ, 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान के मकाम पर करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, जिसमें पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया गया। अब अगर हम देखें तो 1940 का 1947 7 साल का अरसा हमें इस मुतालबे को, इस ख्याल को परवान चढ़ाने में, इस मुतालबे को अमली शक्ल में लाने में, इस ख्वाब की ताबीर पाने में तकरीबन 1940 से 1947 7 साल का अरसा लगा। इस ख्वाब को अंग्रेज़ हुकूमत तक पहुंचाने, ताकि इस मुतालबे को, इस ख्वाब को पूरा किया जा सके, हमने 7 साल का अनथक मेहनत से, बहुत सी कुर्बानियों से, बहुत से नुकसान से, बहुत से जानी और माली नुकसान से गुज़र कर ये 1947 यानी 14 अगस्त 1947 तक हम पहुंच पाए। चलिए अब हम पहले दौर की तरफ बढ़ते हैं, 1857 था 1940। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी नहीं कि हमें ये नौबत ही क्यों आई,
मुगलिया दौर हुकूमत, सल्तनत दिल्ली, मोहम्मद बिन कासिम, सुने तो होंगे आपने नाम, है ना? जी हाँ, मुस्लिम सल्तनत, मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम हुकूमत, अजीमुल शान सल्तनत, शानदार हुकूमत। तो जब हम इतने शानदार थे, इतने उरूज पर थे, इतने ज़्यादा हम फतह याब थे, इतने जाहो जलाल वाली हुकूमत थी, पूरे खित्ते पर हमारा राज था, तो फिर हमें आज़ादी के लिए इस सतह पर आने की, इस तरह लड़ने की ज़रूरत और नौबत क्यों पेश आई? चलें अब हम इसके पसे मंजर को पढ़ते हैं कि हम 1857 तक किस तरह से पहुंचे। यह है मुस्लिम बरे सगीर, यानी जब बरे सगीर में मुस्लिम राज कायम था। आप इस नक्शे में देख सकते हैं, बरे सगीर तकसीम हिंद से पहले, यानी पाकिस्तान और भारत अलहदा ममालिक बनने से पहले का नक्शा, जो आपको बरे सगीर का जोग्राफिया महल बकू बता रहा है। चले आए अब हम बात करते हैं कि मुसलमान इस खित्ते में दाखिल कब और क्यों हुए। मुसलमानों की आमद कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के 712 में फतेह सिंध से हुई। मोहम्मद बिन कासिम को इस सरजमीन में फायदा नजर आया, ताकत, सियासी फायदा, तो उसने बड़े सगीर पर हमला किया और यहां पर हुक्मरानी शुरू कर दी और तकरीबन 4 साल तक वो इधर रहा, 712 से 715 तक। अब ये तो सिर्फ आगाज था, ये मुसलमानों के राज का सिर्फ एक आगाज हुआ जब मुसलमान अरूज पर थे। मुसलमानों ने सदियों बरे सगीर पर हुकूमत की। मुगलिया दौरे हुकूमत में मुसलमान सबसे उरूज पर थे। मुगलिया सल्तनत में जब मुसलमान थे तो वो एक अरूज का दौर था, जो शानदार मुसलमानों की फतह थी। माशी लिहाज से बहुत मजबूत थे, समाजी, सियासी, हर लिहाज से मुसलमान बहुत उरूज पर थे। अब ये जो टेबल आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, इसमें मैं आप को एक छोटा सा लुक दे रही हूँ। एक हम नज़र डालेंगे मुसलमानों के मुख्तलिफ अदवारे हकूमत पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुसलमानों की आमद, मुसलमानों की इब्तिदा, इस्लाम इस खित्ते में बरे सगीर में कब आया? मोहम्मद बिन कासिम 712 में, जिसने 4 साल हकूमत की, 712 था 715। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सुल्तान, जब वो यहाँ से चला गया, सुल्तान महमूद गजनवी ने हकूमत संभाली 977 ता 1030 तक। गजनवी दौरे हकूमत भी सुल्तान महमूद गजनवी की ने ही उसकी बुनियाद रखी थी। फिर मुख्तलिफ सुल्तान महमूद गजनवी के बाद मुख्तलिफ हुक्मरान आए, जिन्होंने 1030 ता 1206 हकूमत की। उसके बाद आ जाती है सल्तनत दिल्ली। अगर आप देखें तो सल्तनत दिल्ली का दौरानिया, दौरे हकूमत बहुत लंबा था, बहुत शानदार था, 1206 से जो कि शुरू होता है, जिसकी बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, 1206 से शुरू होता है 1526 तक, यानी 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक सल्तनत दिल्ली रही, जिसमें 5 सल्तनतें, 5 हुक्मरान थे और उन्होंने मुख्तलिफ सालों में हकूमत की 1526 तक। उसके बाद आ जाता है मुगलिया दौर हकूमत। ये मुसलमानों का, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, शानदार दौर हकूमत था। माशी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी मुसलमान बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे बरे सगीर में, और यहाँ पर जो है वो दूसरे लोग, जैसे कि अंग्रेज़ आ गए थे उनके बाद, उन्होंने यहाँ पर आके तिजारत शुरू कर दी थी। तो मुगलिया दौर हकूमत का आगाज़ कब हुआ? 1526 था 1857 में। 1526 में बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस खित्ते पर हमला किया, इस खित्ते में दाखिल हुआ और यहाँ पर हुक्मरानी शुरू कर दी। बाबर के बाद उसके बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगज़ेब ने शानदार हकूमत की। इन सब ने मिलकर तकरीबन 300 साल तक बरे सगीर पर हकूमत की और इस अरसे में बरे सगीर
एक सोने की चिड़िया कहलाता था, यानी यहाँ पर हर लिहाज से, माशी लिहाज से, ज़र्री लिहाज से, मादनियात के लिहाज से, स्पाइसेस के लिहाज से यह खित्ता बहुत अहमियत का हामिल था। मुगलिया दौर हुकूमत के बाद अंग्रेज़ दौर हुकूमत शुरू हो गया। अब इसकी क्या वजूहात थी, अंग्रेज़ यहाँ पे क्यों आए, किस तरह से आए, वो सब हम अभी पढ़ते हैं। अंग्रेज़ दौर हुकूमत था 1857 था 1947। अब मुगलिया दौर हुकूमत की अगर बात करें तो मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब आलमगीर की 1707 में वफ़ात के बाद मुस्लिम हुकूमत का जवाल शुरू हुआ, यानी औरंगज़ेब ने जब 1707 में वफ़ात पाई तो अब मुसलमान हुकूमत का जवाल शुरू हो चुका था। उस औरंगज़ेब के बाद कोई भी मुग़ल हुक्मरान ऐसा ना आया जिसने हुकूमत को संभालने की कोशिश की। और जैसा कि आपको पता है, पिछले चैप्टर में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को 1857 में अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी और रंगून में कैद करके और वो वहीं दफन हो गए थे। इस तरह मुसलमानों का दौर हुकूमत तकरीबन 1707 में ही ख़त्म हो चुका था। और उस वक्त, उस दौर में जब मुगलिया दौर हुकूमत का जवाल था, तो कोई दूसरा बादशाह, कोई दूसरा रहनुमा मुसलमानों का मंज़र-ए-आम पर नहीं था जो मुसलमानों को रहनुमाई देता। उस दौर में हज़रत शाह वलीउल्लाह ने तालीमी मैदान में, इल्मी मैदान में, जो कि एक मुजद्दिद और मुसल्ला भी थे, मंज़र-ए-आम पर आए और इस्लाम की अहिया, इस्लाम की बेहतरी, इस्लाम की दावत की पुरजोर तहरीक का आगाज़ हुआ। सियासी सतह पर अंग्रेज़ों ने 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर तिजारत के गर्ज़ से बरे सग़ीर में दाखिल हुए थे। यानी अंग्रेज़ 1600 में, यानी मुगलिया दौर हुकूमत में ही अंग्रेज़ों ने एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बरे सग़ीर में लगाई, जिनका मकसद ये था कि वो तिजारत करें। मुगलिया लोगों ने भी, मुगलिया हुक्मरान ने भी यही जाना कि इस कंपनी से उनको भी तिजारती तौर पे फ़ायदा होगा, इसलिए उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। लेकिन अंग्रेज़ों का असल मकसद सिर्फ तिजारत करना ही नहीं था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो सियासी सतह पर भी मजबूत होना शुरू हो गए और सियासत में भी शामिल होना शुरू हो गए। अब जब मुसलमानों को ख़तरा हुआ अंग्रेज़ों से, उनको ये फील होना शुरू हो गया, उनको ये समझ आना शुरू हो गई कि अंग्रेज़ जो है वो उनके मुल्क पे कब्ज़ा ना कर ले, उनके ऊपर हुक्मरानी ना शुरू कर दें, तो 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिशों का शिकार हो गया और जंगे प्लासी में उसको शहीद कर दिया गया। अब अपनों की साजिशें क्या थी, साजिशें कौन कर रहा था, असल में पीछे तो अंग्रेज़ ही थे जो कि लोगों को अपने साथ मिलाकर, लालच देकर जो है वो अपने साथ मिला लेते थे और इस तरह सिराजुद्दौला को भी जंग प्लासी में शहीद कर दिया गया। 1799 टीपू सुल्तान भी एक बहुत बड़ा बादशाह था, हुक्मरान था, जिसने कई साल तक हुक्मरानी की बरे सग़ीर पर, और वो मैसूर का हुक्मरान था। उसको भी अपनों की साजिशों का सामना करना पड़ा और वो भी शहीद कर दिया गया। इल्मी महाज पर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादगान, उनके शागिर्द सरगर्म अमल रहे। उनके एक शागिर्द सैयद अहमद शहीद ने तहरीक मुजाहिदीन शुरू की, यानी जिहाद का आगाज़ किया। ना सिर्फ इल्मी सतह पर, तालीमी सतह पर दावत देना, बल्कि जिहाद शुरू किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन बदकिस्मती 1831 में सैयद अहमद शहीद को सिखों के साथ जंग में शहीद कर दिया गया बालाकोट के मकाम पर। इस तरह अस्करी सतह पर भी अहिया इस्लाम की आखिरी कोशिश